दोस्तों अफगानिस्तान की छोटी टीम ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराकर इतिहास रच दिया है और ऐतिहासिक जीत से अफगानिस्तान की टीम जश्न में डूब गई है। और हो भी क्यों ना, पहली बार वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को धूल चटाया था। वही दोस्तों जश्न में डूबे राशिद खान ने जीत के बाद भारतीय दर्शकों का शुक्रिया अदा करने के लिए भारत का झंडा उठाकर मैदान का चक्कर काटने लगे और स्टेडियम में बैठे सभी भारतीय दर्शकों का सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया अदा किया। लेकिन ये बात पाकिस्तान को चुभ गई और उन्होंने बवाल खड़ा कर दिया, साथ ही आईसीसी से भी इसकी शिकायत कर दी। इसके बाद राशिद खान ने भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। जी हां दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी अफगानिस्तान की जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं बाबर आजम और रोहित शर्मा में कौन है बेस्ट कप्तान, अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराकर इतिहास रच दिया है। ये अफगानिस्तान के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी क्योंकि वनडे के इतिहास में उन्होंने पाकिस्तान को पहली बार हराया है और वो भी वर्ल्ड कप के मंच पर जहां पूरी दुनिया की निगाहें रहती है, इसलिए उन्होंने मैच के बाद जमकर जश्न मनाया है। वही राशिद खान और कुछ अफगानी खिलाड़ियों ने तो मैच के बाद भारतीय दर्शकों का शुक्रिया भी अदा करते हुए नजर आए, जहां पर अफगानी खिलाड़ियों ने भारत का झंडा उठाकर भारतीय दर्शकों का दिल से धन्यवाद किया। वही अब अफगानी खिलाड़ियों का भारतीय झंडा उठाकर स्टेडियम का चक्कर लगाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दोस्तों इस वीडियो को भारत और अफगानिस्तान में तो खूब पसंद किया जा रहा है। भारतीय के लिए जहां ये गर्व की बात है तो वही अफगानियों के लिए ये जश्न की बात है और उन्होंने तो सपोर्ट करने के लिए भारत का शुक्रिया अदा किया है, ऐसा अफगानियों का कहना है। और वे राशिद खान के भारतीय झंडा उठाने को लेकर खुश भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान को इस बात से मिर्ची लग गई है, उन्हें अफगानियों द्वारा भारतीय झंडे उठाकर स्टेडियम का चक्कर लगाना रास नहीं आ रहा है। इसी वजह से शोएब अख्तर और शाहिद अफरीदी इस बात को लेकर भड़क गए हैं। उनका कहना है कि ये पाकिस्तानियों का अपमान करने के लिए अफगानियों ने ऐसा किया है, इसलिए दोस्तों पाकिस्तान ने इसकी शिकायत आईसीसी से कर दी है। हालांकि आईसीसी ने अभी इस पर कोई जवाब तो नहीं दिया है, लेकिन राशिद खान ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। दोस्तों पाकिस्तान ने जब इस मुद्दे की शिकायत आईसीसी से करी तो राशिद खान, शोएब अख्तर और शाहिद अफरीदी पर भड़क गए और गुस्से में पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं अफगानी हूँ और मैं जिसका चाहूँ उसका झंडा उठा सकता हूँ। वही उन्होंने आगे कहा, भारत मेरा दूसरा घर है, साल के आधे दिन तो मेरे भारत में बीतते हैं और यहाँ के लोगों से मुझे भरपूर प्यार मिलता है, इसलिए मैं भारत को भी अपना देश ही मानता हूँ और भारत का तिरंगा उठाना मेरे लिए गर्व की बात है। ये भारतीयों का हमारे लिए प्यार ही है कि वो स्टेडियम में आकर हमारा सपोर्ट कर रहे थे, ऐसे में मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनका शुक्रिया अदा करूं, इसलिए मैंने खुशी से भारत का तिरंगा उठाकर सबका दिल से धन्यवाद अदा किया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं राशिद खान ने तो शिकायत करने वाले पाकिस्तानियों को करारा जवाब दिया है। वैसे इस पर आपकी क्या राय है कॉमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।